मर जाएंगे लेकिन दामन नहीं छोड़ेंगे। बहुत जुल्म किया, अब बर्दाश्त नहीं होगा, मनवादियों का सरकार अब नहीं रहेगा। जय संविधान, इंकलाब, इंकलाब। रेगिस्तान में तूफान रुका नहीं करता, समुद्र के पानी सोखा नहीं करता, हम उस घर का परिवार हूँ किसी के सामने झुका नहीं करता। जिस दिन बहुजनों का राज आ गया तो सत्ता परिवर्तन होगा ही होगा और व्यवस्था परिवर्तन अपने आप कर देंगे। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती तो हम ऐसे ही फाइट करते रहेंगे। जेल प्लस सुरक्षा दी जाए, उसका सकल भी पहचानने का लायक नहीं होगा। जय भीम, जय भारत। सब मिल करके बांटेंगे, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हम लोग सब मिल करके लड़ेंगे। सब लोग कुर्सी है वो हिलने वाली है। ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां की चंद्रशेखर आजाद रावण का जो है महारैली चल रहा है। बीते दिनों जो उन पर फायरिंग हुए थे और उसके बाद तमाम जो है लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि उनको वाई प्लस की सिक्योरिटी दी जाए, लेकिन जो मांगे हैं वो लगातार जो सरकार की तरफ से इग्नोर किया जा रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है, उसी को लेकर आज महारैली की गई है और यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है। आप यहाँ किस बात को लेकर मौजूद हुए हैं, भाषण उनका चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये जो हुआ है, जो धरना प्रदर्शन हुआ है, पहली बात तो आज स्थापना दिवस है भीम आर्मी की, और दूसरा माननीय चंद्रशेखर आजाद जी पर जो हमला हुआ था उसके लिए हम लोग एक पहले ज्ञापन दिए हुए थे, और फिर भैया ने जो है चंद्रशेखर भाई ने ये आगाज़ किया था, लोगों का आह्वान किया था कि यहाँ पर लोग इकट्ठा हों और अपनी ताकत दिखाएं। जो सिक्योरिटी की बात हुई थी और जो वेपन्स की बात हुई थी, जो जेट सिक्योरिटी की बात हुई थी, उसके लिए अभी तक सरकार लगातार नज़रअंदाज कर रही है आपकी मांग। नज़रअंदाज इसलिए कर रही है, वो जानती है कि अगर इनको सिक्योरिटी दे दी तो उनकी सुरक्षा कमी हो जाएगी, उनकी कुर्सी है वो हिलने वाली है। तो और देखिए, सुरक्षा मिले चाहे ना मिले, 24 जो है वो बहुजनों का है। यकीन माने, जिस दिन बहुजनों का राज आ गया तो सत्ता परिवर्तन होगा ही होगा और व्यवस्था परिवर्तन अपने आप कर देंगे। बहुजनों का 2024 कैसे है, समझा? कैसे देखिए, ये आप जिस जगह पर खड़े हैं उस जगह पर सिर्फ एक व्यक्ति है जो एक बहुत मध्यम परिवार से है, और अगर घर आप चले जाएंगे तो आपको लगेगा कि यार ये व्यक्ति एक ऐसी जगह से उठ के आया है, और जहाँ पर इस मंच पे खड़े होने के बाद आपको लग रहा होगा कि यार ये वही व्यक्ति है जो इस छोटे से घर में रहता है। यहाँ का जो माहौल है, पूरे इंडिया से लोग आए हुए हैं, और यहाँ की भीड़, यहाँ का जो जनसैलाब है, ये बता रहा है कि आने वाला वक्त बहुत बड़ा बदलाव देने वाला है, ये उसकी आहट है। ये बहुत वैसे ही संवेदनशील हुए हैं, क्योंकि बता क्या, आम आदमी की कोई सुरक्षा नहीं है, जहाँ जहाँ देखो वहाँ पे आम आदमी को मारा जा रहा, काटा जा रहा, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इन्होंने इसलिए मांगू किया हुआ क्योंकि इनकी भी और जितने भी लोग हैं उनकी सुरक्षा दी जाए कम से कम, हमारा कहने का यही उद्देश्य है जी। सरकार तो मान ही नहीं दे रहे, लगातार ज्ञापन सौंप रहे हैं, मांग उठा रहे हैं, रैली प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार नहीं सुन रही है। सरकार नहीं सुन रही तो उन पे बदलाव लाने पड़ेंगे, तो बदलाव नहीं लाएंगे तब तक ये सुनेंगे नहीं। कैसे लाएंगे बदलाव? ये हमारा बहुजन समाज 85% है, इकट्ठे मिलेंगे हम लोग, साथ रहेंगे, और किसी न किसी अभी पार्टी में नहीं लेकिन साल 6 महीने जैसे परिवर्तन आएगा हम लोग एक साथ खड़े होके और सरकार का सामना करेंगे। मैम, हमारा संघर्ष जारी रहेगा, अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती तो हम ऐसे ही फाइट करते रहेंगे जब तक हम सत्ता की चाबी हासिल नहीं कर लेते। हम संघर्ष लगातार करते रहेंगे और शुरू से ही हम लड़ते आ रहे हैं, और अपने अधिकार और हक के लिए हम लड़ते रहेंगे, यही हम कहना चाहेंगे। इनका लगातार कहना ही है कि शुरू से हम लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनका भाषण ख़त्म हो गया है चंद्रशेखर का, और लोग अभी निकलना शुरू हो गया है। इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ कहेंगे आप? जेट प्लस सुरक्षा दी जाए चंद्रशेखर भाई के लिए, आज़ाद सरकार तो सुन नहीं रही, लगातार मांगे की जा रही है पर सरकार नहीं सुन रही। और संघर्ष करेंगे, अगली बार फिर ज़्यादा बड़ा संघर्ष होगा, हम संघर्ष बहुत लड़ाएँ, फिर हम तो साथ हैं, साथ रहेंगे, मर जाएंगे लेकिन दामन नहीं छोड़ेंगे। मरेंगे क्यों? हम तो वो व्यक्ति हैं, रेगिस्तान में तूफान रुका नहीं करता, समुद्र के पानी सोखा नहीं करता, हम उस घर का परिवार हूँ किसी के सामने झुका नहीं करता। बहुजन हमारा है और रहेगा, मनवादियों का सरकार अब नहीं रहेगा। बहुत जुल्म किया, अब बर्दाश्त नहीं होगा। अगर कुत्ता पे पत्थर मारोगे तो कुत्ता भाग जाएगा, अगर वही पत्थर मधुमक्खी पर मारा जाए तो मधुमक्खी खुद जवाब दे देगी उड़कर,
किस तरह से देगी उसका सकल भी पहचानने का लायक नहीं होगा। जय भीम जय भारत। जय 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 भीम। जो है लगातार लोगों का जो है आक्रोश दिख रहा है। लोग जी कुछ कहना चाहते हैं? मणिपुर में जो हादसा हुआ है मैडम बहुत ही बेकार हुआ है। ऐसा होना नहीं चाहिए महिलाओं के साथ। कितना बुरा कृत्य है आप भी समझ लीजिए। अब आपने भी देखा होगा वीडियो, बहुत बुरा ये कृत्य हुआ है। ऐसा होना नहीं चाहिए। वहाँ भी बीजेपी की सरकार है। लेकिन सरकार ने कही है कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहुत दुखद घटना है ये। तो ठीक है की जाएगी, लेकिन करके दिखाए तब तो मानेंगे। अब सरकार तो कड़ी नहीं रही है, बस बोल दिया है उन्होंने। बीजेपी सरकार का दावा है कि उन्हीं के सरकार में उन्हीं के राज्य में महिलाएं जो है सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। कहाँ सुरक्षित हैं? उन्हीं से उन्हीं लोगों के कहाँ सुरक्षित हैं बताइए? कहीं भी सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित है महिलाएं? सुरक्षित नहीं है कहीं भी बीजेपी के राज्य में? जी कुछ कह रहे हैं आप? बहन जी कहीं सुरक्षित नहीं है। यहाँ जो प्रधानमंत्री ने जिनने वो तरह था उन बेटियों के साथ फोटो खिंचवाए थे, वे बेटियाँ यहाँ पे ऐसे खच्ची रही हुई जैसे वे आतंकवादी हो, जैसे वे देशद्रोही। और उस आतंकवादी को आज लो नहीं पकड़े थे, उस आतंकवादी देशद्रोही। तो ये भीम आर्मी है और भीमा तोड़े गांव का इतिहास हमारा है। हमारा इतिहास दोहराते थे ये। तो ये मनुवादी सुधर जाए। मैं किसी आप सत्ता पलट देंगे? हाँ पलट देंगे हम। किसी धर्म तो नहीं कह रहे और ना किसी उसे कह रहे हैं, ठीक है ना? और ना किसी और भी आगे चलेंगे और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। जो है यहाँ पर बहुत लोग, पूरे तमाम देश भर से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पूरे भारतवर्ष से लोग आए हुए हैं, भारत के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोग मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे, कोशिश करेंगे जानने की क्या कुछ इनके बीच जो है आक्रोश देखने को मिल रहा है, इनका क्या कुछ कहना है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जय भारत जय संविधान। मैं राजुद्दीन गादरे बहुजन मुक्ति पार्टी से। आज हम लोग यहाँ बहुजनों का एक सम्मेलन हुआ और इसमें बहुजन जो इधर उधर पार्टियाँ बिखरी हुई हैं तो हम लोग उसमें हर बहुजन के साथ हैं। मिलजुल करके ये लड़ाई लड़ेंगे तभी इस देश का भला होगा। इस देश के भले के लिए हम लोगों को एकजुट आना होगा। आकर के एकजुट तभी लड़ाई लड़ पाएंगे, वरना टुकड़े टुकड़े गैंग में बिखर के रह जाएंगे। आज हम लोग कभी एससी के नाम पर, कभी ओबीसी के नाम पर, कभी मोब लिंचिंग के नाम पर, कभी मुस्लिमों के नाम पर, कभी हिंदू मुस्लिम करके इस देश में लड़ाया जा रहा है। इस देश की इस लड़ाई को हम लोग सब मिलकर के बांटेंगे, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हम लोग सब मिलकर के एकजुट होकर के लड़ेंगे। लड़ेंगे सब लोग, तभी हम लोगों का भला होगा। लड़ेंगे सब लोग। जय भीम जय भारत जय संविधान। क्या मांगे हैं आपकी? क्या मांगे? हमारी मांगे हैं सुरक्षा दी जाए जेड प्लस। तो ये मांगे तो लगातार उसी दिन से चल रही है जब से हमला हुआ है, लेकिन सरकार लगातार इग्नोर कर रही है, नजरअंदाज कर रही है। पूरी नहीं होती तब तक ये आंदोलन चलता ही रहेगा पूरे देश में। दूसरे जो गिरफ्तार हुए हैं उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। ऐसा मामला नहीं है। आज हमारी बहन बेटियों की सरेआम इज्जत लूटी जाती है और हमारा समाज देख रहा है। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज के हमारे सांसद विधायक आज हमारे संस्था के संसद में बैठे हैं, विधानसभा में बैठे हैं। क्या वो अपना आप ही मनुवादी या जो कहने वाले लोग हैं जो षड्यंत्र कारी है, 1% के, 2% के, 3% के, वो वैसी ताकतवर नहीं बन गए हैं। आज हम लोग उनका साथ सहयोग हमारे ही लोग दे रहे हैं। हम लोगों को अपने लोगों को समझना होगा क्योंकि वो लोग हमारी अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो अपनी लालच की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो संसद में बैठकर, वो विधानसभा में बैठकर वो अपने लालच की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपने घरों को मजबूत कर रहे हैं, वो अपने समाज की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हमें समाज की लड़ाई लड़नी होगी। समाज के हम लोग जब आगे आएंगे तभी हमारी दावा करते हैं कि उनकी सरकार में जनता सबसे ज्यादा खुशहाल है। देखिए जनता के खुशहाल होने का अभी ये राज आपके सामने मौजूद हो चुका है। ये पूछ सकते हैं जनता कोई खुशहाल नहीं है। आज देखिए महंगाई चरम सीमा पर है। दाल यदि खाने को लगाए दाल क्या रेट है? आज सबसे बड़ा जो व्यापारी है मुस्लिमों को बदनाम करके मांस का व्यापारी कौन करता है? जो
व्यापारी है, जो बहुत बड़ा मालदार वर्ग है, 10% लोग वो लोग व्यापार करते हैं और नाम मुस्लिमों का बदनाम करते हैं। नाम यदि SC ST OBC मुस्लिम वर्ग करके उसका व्यापार करते हैं तो उसको बदनाम करने के लिए सड़क पर चौराहे पर उनके खिलाफ षड्यंत्र रच के उनको बदनाम किया जाता है और उनके खिलाफ ED CBI CID कुछ भी लगा करके उनके व्यापार बंद किए जाते हैं। आपने साफ तौर पर सुना कि जिस तरह से कानून व्यवस्था जो है हमारे देश में और जिस तरह से तानाशाही चलाई जा रही है, इससे लोगों में खासा नाराजगी है। साफ तौर पर इनका कहना है कि सत्ता बदलेंगे, अब जो है सरकार इनकी होगी, और क्योंकि जनता जो है अब त्रस्त हो चुकी है, समझ चुकी है कि ये सरकार उनके लिए नहीं है। बाकी पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी जन